हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइंडिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अभी ऋषिकेश में और आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि मैं गीता भवन में फ्री स्टे कर रही हूं। तो यहां पर मैं 4 दिन से रुकी हुई और हमारा डे 5 है और कल हम लोग गीता भवन छोड़ने वाले। इससे पहले मैं आपको पूरे गीता भवन का विजिट कराऊंगी और गीता भवन में रहने का प्रोसीजर क्या क्या है और यहाँ पे कौन रह सकता है ये सब कुछ बताने वाली हूँ और अपने रूम का भी विजिट करने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और तो चलिए चलते हैं गीता भवन। तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तो यहाँ पर है ना, कार आ नहीं सकती, तो आपको जानकी पुल से, आपको स्कूटर ली होगी तो आप स्कूटर से आ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ से जानकी झूला से लक्ष्मण झूला जाना पड़ेगा 7 किलोमीटर, फिर वहां से यू टर्न लेके फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, तो 14 किलोमीटर आपको घूम के आना पड़ता है तभी आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। तो लेकिन आपको 14 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा या फिर जानकी पुल के सामने आपको पार्किंग में ही गाड़ी रुकानी पड़ेगी जिसके 120 रुपीस चार्जेस है। तो आप जैसा आपको ठीक लगेगा आप वैसा कर सकते हो। गीता भवन बहुत ही बढ़िया प्लेस है रहने के लिए और आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं गीता भवन में। तो मैं अभी घाट पे हूँ गीता भवन के। तो गीता भवन के सामने ही आपको पुस्तक की दुकान मिल जाएगी और यहाँ पर जो हम लोग के स्वेटर्स होते हैं वो सब भी ले सकते हो और सामने आयुर्वेदिक की दवाइयों की दुकान भी है। और अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं, अंदर वीडियोग्राफी और ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो मैं आपको मेन सेक्शन क्या क्या होते हैं वो सब दिखाऊंगी। ये मेन गीता भवन है, यहाँ से एंट्रेंस करते ही लेफ्ट साइड में है मेन ऑफिस जहाँ पर आप पूछ सकते हो कि आपको रहना है कि नहीं। तो यहाँ पे है फर्स्ट, ये देखो मेन ऑफिस। यहाँ का मेन टेंपल है जो कि गीता भवन के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पर इनका खुद का भोजनालय भी है जिसमें 50 रुपीस के थाली मिलती है और यहाँ पे दिन भर सत्संग का ऑडियो लगा रहता है। आप यहाँ पर सत्संग सुन सकते हो। यहाँ को सुबह 4:30 बजे आरती रहती है, शाम को 8:30 बजे भी आरती रहती है। यहाँ पे भोजनालय का भी टाइमिंग है, 11 से 12 सुबह और शाम को 7 से 8 बजे यहाँ पर भोजन मिलता है। पूरा स्वास्थ्य भोजन रहता है बिना लहसुन प्याज का। इसके साथ साथ यहाँ पर पुस्तकालय भी है जो 11 से 1 बजे क्लोज रहता है और संडे को भी क्लोज रहता है। तो ये रहा यहाँ का भोजनालय जो राइट साइड पर भी है। और यहाँ पर आपको पीने के लिए आरओ वाटर भी मिल जाएगा। भोजनालय के बिल्कुल बगल के स्टेयर से आप ऊपर आते हो तो पुस्तकालय है जहाँ पर आप बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हो या फिर लेके जा भी सकते हो डिपॉजिट देके। यहाँ का एक रूल है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो मैं अभी आई हूँ सत्संग हॉल के सामने जहाँ पर सुबह 5 बजे गीता पाठ होता है और शाम को दोपहर को 2 बजे रामायण की कथा होती है। यहाँ पर रहना
जाना है तो 1000 रुपीज़ पर रूम का आपको यहाँ पर चार्जेस लगेगा, और इसके अंदर गीज़र नहीं है तो आपको एक अलग से 1000 रुपीज़ देके गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा, जहाँ के ऊपर आप पानी गर्म करके नहा सकते हो। रूम बहुत ही क्लियर है, यहाँ पर बिस्तर ये सब भी मिल जाता है, यहाँ पर बर्तन मिल जाते हैं, यहाँ पर सभी जो हमारा किराना माल होता है, जो हम लोग खाने के लिए जो चीज़ें बनाने के लिए रहते हैं, उसका स्टोर भी है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ यहाँ पर हर चीज़ है। अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए रह रहे हो तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए तो वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाती है। मैं हूँ अभी गीता भवन के बैक साइड पे, जहाँ पर खाद्य भंडार है, बर्तन मिलते हैं, और यही लाइन में आपको सब पिलो कवर या फिर आपको जो भी चाहिए, गद्दा विद्दा चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर गैस सिलेंडर भी एक ही जगह पे मिलता है, तो जो आपको जो चीज़ें चाहिए जो रहने के लिए जो होती है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगी। तो यहीं से थोड़ी देर गीता भवन 2 में जाने का रास्ता है, वहीं पर हमारा रूम है, तो चलिए हम लोग अभी अपने रूम में जाते हैं। गीता भवन 2 में हमारी रूम है, मैं अभी रूम के पास आ गई हूँ, मैं आपको अब मेरी रूम दिखाती हूँ। तो मेरे रूम नंबर है 269, और यहाँ ये गीता भवन 2 है। गीता भवन 1 जो मेन पार्ट हम लोगों ने देखा वो था, और यहाँ से मेरे बैक साइड से परमार्थ के लिए वे निकलता है। बैक साइड से आप कार्स लेके आ सकते हो गीता भवन में, आगे से आप अपनी कार नहीं लेके आ सकते हो, आप सिर्फ स्कूटी अगर यूज़ कर रहे हो तो आप स्कूटी ही लेके आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको मेरा रूम दिखा देती हूँ। सो ये मेरा रूम है, और ये हॉल है, यहाँ पर छोटे छोटे कबर्ड्स दिए गए हैं, और यहाँ पर हम लोगों को एक गद्दी दी गई है, यहाँ पर पलंग नहीं है। तो कबर्स में हम लोगों ने क्लोथ्स रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने हमारा जो भी सामान है वो सब रखा है, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ये सामान रखने के लिए छोटे छोटे चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर 2 से 3 है, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर खुंटी भी है, ये वाली ये देख रहे हो, ये वाली जिसके हम लोग कपड़े लटका सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत और नया सा रूम है। यहाँ पर भगवान का एक फ्रेम रखा गया है, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का, ऐसे हर इसके ऊपर है, एक ऊपर एक ये सामान रखने के लिए और कुछ के यहाँ पर विंडोज़ है, और विंडोज़ के ऊपर ओम लिखा हुआ है, ये देखो ये विंडोज़ के ऊपर ओम लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत विंडो है। ये किचन है, और यहाँ पर हम लोगों ने बर्तन रेंट पर भी लिए हैं, मैंने आपको दिखाया जैसे कि रेंट पे बर्तन कहाँ पर मिलते हैं और वो सब कुछ। हम लोगों ने गैस नहीं लिया है, हम लोग इंडक्शन लेके आए थे, तो हम लोग इंडक्शन पे खाना बना रहे हैं। बर्तन धोने के लिए बड़ा सा सिंक है, बहुत ही अच्छा विंडो है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। यहाँ पर माउंटेन का व्यू है, आगे भी माउंटेन का व्यू है, चार्जिंग पॉइंट है, और वेस्टर्न बाथरूम है, और बहुत ही बढ़िया आप जैसे देख सकते हो कितना क्लीन रूम है, और जैसे कि पूरा नया के नया बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत। यहाँ पर धूप भी अच्छे से आती है, देखो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर धूप आती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पानी हर वक्त रहता है, 24 घंटे पानी है, और 24 घंटे लाइट भी है, कभी कभी लाइट चली जाती है, कुछ प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन 15 मिनट में फिर से आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को कपड़े सुखाने के लिए भी यहाँ पर डोरी दी गई है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रूल्स है गीता भवन में रहने के लिए, हम लोग क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब जैसे कि हम सत्संग या फिर भगवान का नाम स्मरण करने के लिए ही आ रहे तो रह सकते हो वैसे, और यहाँ पर लहसुन प्याज और अल्कोहल जैसी चीज़ें नहीं कर सकते, शतरंज या फिर ऐसे ताश के पत्ते ये सब नहीं खेल सकते। और मेरे सामने ये देखो बहुत ही पेड़ है, और नीचे हमारे ही पार्किंग है, तो हमारी कार वहाँ पर पार्क की गई है।
बैक साइड से ही यहाँ पर कार आती है, स्कूटी हो तो ही फ्रंट साइड से आती है। बहुत ही बढ़िया रूम है, बहुत ही बढ़िया स्टे रहा है हम लोगों का यहाँ पर, और ऊपर टेरेस भी है। आपको टेरेस देखना है, मैं आपको टेरेस भी दिखा देती हूँ, रुके एक मिनट। टेरेस में जाने का रास्ता यही से है, बीच में से। और यहाँ से बहुत धूप है, तो यहाँ से हम लोगों को भूतनाथ टेम्पल भी दिखता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर भूतनाथ टेम्पल है ऊपर, और बहुत ही अच्छा व्यू है टेरेस से, सब माउंटेन्स दिखते हैं तीनों तरफ, दोनों तरफ से। पीछे तो गंगा मैया है, तो पीछे गंगा मैया है, और यहाँ से थोड़ा सा जानकी झूला भी दिखता है। और ये जब ये सोलर के पैनल जो आप दिख रहे हैं, ये सब परमार निकेतन के हैं, और इसके बाजू में भी है गीता भवन उसके है। तो बहुत ही बढ़िया व्यू दिखता है। और यहाँ पर ये देखो, ये है ऐसा, ये गीता भवन है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर सब माउंटेन है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है ये रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर कौन कौन रह सकता है? तो यहाँ पर जो सत्संग के लिए आते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से आते हैं, वो यहाँ पर रह सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप 2-3 दिन के लिए यहाँ पर ऋषिकेश घूमने के लिए आ रहे हो और आप यहाँ पर रहोगे, तो ऐसे आपको यहाँ पर अलाउड नहीं करेंगे। हुआ यूँ है कि मैं गीता भवन के साथ पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ऑनलाइन गीता भवन, गीता परिवार के साथ ही गीता का पाठ कर रही हूँ, गीता के क्लासेस ले रही हूँ, गीता सीख रही हूँ। इसके वजह से मुझे यहाँ रहने के लिए मिल गया। सुबह 5 बजे गीता पाठ होता है, वो मैंने किया है। यहाँ की जो आरती रहती है सुबह 4:30 बजे की, 8:30 बजे की, वो भी रहती है। यहाँ पे सत्संग दिन भर रहता है। यहाँ पर पुस्तकालय है जिसमें बहुत सारी पुस्तक हम लोगों ने रीड की है। तो यहाँ पर रहने का मेन मोटिव होता है, जो आप यहाँ पर आते हो तो आप पूरी तरह से भगवान के लिए जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पर रह सकते हो। या फिर यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं जिनको सत्संग करना रहता है, वो लोग यहाँ पर रुकते हैं। या फिर जैसे कि आजू बाजू के आश्रम में अगर सत्संग का कार्यक्रम होता है, उसके लिए आपको अगर वहाँ पर रूम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर रहना है, तो आप यहाँ पर रह सकते हो। ये कोई घूमने फिरने की चीज़ नहीं है, या फिर यहाँ पर आप ऐसे ही घूम भी नहीं सकते। आप अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे घूमना है और मैं ऐसे ही आ जाओ, 2-3 दिन के फ्री का स्टे हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर रूम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप उसके लिए आ रहे हो तो आपको आसानी से रूम मिल जाएगा, और ऐसे तो आपको वो रूम नहीं है ही बोलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया था 5 दिन का स्टे। और मैं हम लोग अभी यहाँ से अभी दूसरा होटल रूम लेंगे, और वहाँ से हम लोग घूमने वाले हैं पूरा ऋषिकेश, और हम लोग हर्षिल वैली भी जाने वाले हैं, और राफ्टिंग करेंगे, और नीलकंठ टेम्पल जाएंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो हमारा अभी गीता भवन का लास्ट डे है, और हम लोग बहुत ही खुश है यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।